हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आप सभी का एग्ज़ाम लगभग लगभग जो बी प्रोग्राम के बच्चे थे लगभग लगभग आपका एग्ज़ाम क्या हो चुका है फिनिस्ड एक एग्ज़ाम रह गया आपका आज का एग्ज़ाम जो था वो इजी आया था आपका और कुछ क्वेश्चंस फिर से डीयू के अंदर मिस्टेक्स डाले हुए हैं मिसप्रिंट कह लो मिस्टेक्स कह लो कुछ भी कह लो या कह सकते हैं कि वहाँ क्लियरिटी नहीं है एजम्पन लेना पड़ेगा आपको तो वही पेपर का थोड़ा सा डिस्कशन मैं ये नहीं कह रहा कि जो आ, मैंने कराया है वही आया है सभी बच्चों ने मेहनत भी की है और उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपका पेपर गया होगा जिसने जितनी मेहनत करी है उसी के अकॉर्डिंग उसका एग्ज़ाम गया होगा तो यकीन मानिए कि आप लोगों से ज़्यादा मुझे खुशी है क्योंकि कारपोरेट के पेपर में मुझे भी बहुत बेकार लगा इसलिए एक दिन तक तो मैंने क्लास भी नहीं लिया अब ये लास्ट पेपर था आपका जो मेरे से पढ़ते आप इसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में आप मिलेंगे मेरे से फिफ्थ सेमेस्टर में मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे ही रहता है और सिंपल है और जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनके पास एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आ जाता है सर एरर क्या था इसमें एरर की बात करें <laughs> तो सबसे पहले आ जाते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर वन का और अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि डी इतनी ज़्यादा मान लेते हैं कि डी का एक सम्मान की बात करें एक वैल्यू की बात करें तो एकदम टॉप लेवल पे इंडिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है एक तरीके से कहीं ना कहीं डी और डी के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं ना इतने सारे जितने पी होल्डर हैं बहुत बड़े बड़े टीचर हैं डी के अंदर लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक होना यानी लापरवाही कहीं ना कहीं दर्शाता है तो मैं डी यू के मेंबर से डी यू से जो भी है जितने भी बच्चे हैं आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेपर आ गया उस पर कोई कमेंट टिप्पणी ना करें बस मैं डी यू के जो भी मेंबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा सर प्लीज़ एक बार जब भी पेपर प्रिंट करें एरर हो जाता है मैं भी बुक के कंटेंट को देखता हूँ बुक के कंटेंट को राइट करता हूँ तो गलती होती है डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल होता है एक एक चीज़ को बारीकी से देखना लेकिन फिर भी आपके पास इतना बड़ा टी इतने बड़े स्टाफ टीम है, तो प्लीज़ एक बार बहुत ऑथेंटिकेट से ताकि बच्चों का जो है भविष्य वो सिक्योर्ड रहे बस ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगा क्योंकि परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट और कुछ नहीं एक क्वेश्चन नंबर वन के और में था डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस टू पॉइंट फाइव रुपीज़ क्लियरिटी नहीं दिया sir, रुपीस कि सर टू पॉइंट फाइव रुपीज़ किसका हालांकि देखो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे पता होता है सेल ये सेल जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है हमेशा सेल्स यूनिट का होता है तो उससे मल्टीप्लाई लेकिन यहाँ एजम्पन भी देना था तो ये क्लियरिटी देना था थोड़ा सा जो कि नहीं दिया एनी बच्चों ने किया क्वेश्चन को और उसके अकॉर्डिंग सारा आंसर लिखा कुछ बच्चों ने ए और वाला पार्ट किया कुछ बच्चों ने अलग पार्ट किया ठीक है कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर भी मिस्टेक्स था मैं उस पर भी आऊँगा अभी इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू के अंदर लेबर टर्नओवर रेट ठीक है उसके बाद इन्होंने बी में सौ डेढ़ सौ ढाई सौ मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ मुझे तो समझ में नहीं आया ये क्या दिया ये भी एक मिसप्रिंट है एरर कह लो कुछ भी कह लो काफ़ी बच्चों ने इसको क्या करा डेढ़ सौ को एवरेज मान के कर लिया और उससे आगे टू भी कंटिन्यू कर लिया तो ये भी एक एरर है जो कि डी को इस पर जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया है तो मैं यही कहूँगा और यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी से सर उन लोगों उन उन स्टूडेंट को आपके हिसाब से जो वैल्यूएबल मार्क्स लगते हैं जो जेनुन है वो प्लीज़ उनको प्रोवाइड करें अगर क्वेश्चन गलत है बच्चे ने अटैम्प्ट किया है और आपके आंसर की से ये मैच नहीं हो रहा तो वो हकदार है कि उनको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए इसमें चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं टू <coughs> का और मैंने अभी स्टडी नहीं किया मसीनावर रेट का था थ्री थ्री क्वेश्चन में कोई एरर नहीं था सिंपल क्वेश्चन आया था जिन बच्चों ने किया अगेन मैंने कहा था आप सभी से कि आप आ, बिल्कुल रेगुलर कॉलेज पे डिपेंड मत रहना देखो रेगुलर कॉलेज के जैसा पेपर तो नहीं आया उससे बिल्कुल डिफरेंट आ गया तो कुछ भी हो सकता है कॉर्पोरेट अकाउंट के साथ हमारे साथ एक इतफाक मान लो कि हमारी किस्मत ख़राब थी या हमारी प्रैक्टिस शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी अच्छी हम नहीं कर पाए थे मैं अभी भी कह रहा हूँ सो दैट के आपका वो पेपर इतना अच्छा नहीं जा पाया उसका मुझे बहुत दुख है उस बात का अब दुख का क्या करना मतलब उसमें भी क्वेश्चन गलत थे बात करेंगे इसके बाद इसके और में क्वेश्चन था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ठीक है वो क्वेश्चन और वाला ठीक है क्वेश्चन फोर में कोई भी आ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फोर में कोई एरर दिखा नहीं मुझे काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि लॉस है मैंने अभी तक इसको एनालिसिस नहीं किया सोल्यूशन अभी करना भी नहीं चाहता आप टेंस फ्री रहिए और फिफ्थ में कोई गलती नहीं है और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था रिकनसलेशन जिन बच्चों को आता है वो कर देगा तो देखो टोटल यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन में एरर फाइंड किया और उस एरर की वजह से काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यही रिक्वेस्ट है कि उनके पेपर को आप अच्छे से एग्ज़ाम वैसे तो आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन करते हैं एग्ज़ाम को तो प्लीज़ इस पर ज़रूर एक आपके जो टीम मेम्बर है मीटिंग है उस पर आप डिस्कस करके उसी के हिसाब से ग्रेस मार्क करिए और मैं कॉरपोरेट अकाउंट की मैं बात करना चाहूँगा कॉरपोरेट अकाउंट में भी कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक्स थे उस क्वेश्चन में भी जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया है उनको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए मेरे हिसाब से होल्डिंग सब्सिडरी का क्वेश्चन गलत था वहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बन ही नहीं रहा था तो देखिए एक तो पेपर बच्चों का इतना अच्छा नहीं गया एग्री करता हूँ मैं लेकिन जो क्वेश्चन मिसप्रिंट था जो शायद बच्चों का वो पूरे मार्क्स आते तो रिक्वेस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो लगता है जैनविन आपको आपके काउंसिल मीटिंग होती है उसके अंदर सही फेयर डिसीजन लीजिए ताकि बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना हो क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर बच्चे का कैरी होता है ना तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में भी मैनेजमेंट अकाउंट करना है उन बच्चों ने दूसरा पॉइंट वहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी थोड़ा एरर था तो उसके ऊपर भी आप कंसिडर करें मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किए कुछ बच्चों के अब माइंड में ये चल रहा है कि सर हमने अटैम्प्ट किए कि हमें पूरा मिलेगा नहीं तो देखिए सारा काउंसिल मीटिंग और डी यू मेम्बर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे ग्रेस मार्किंग करेंगे मेरे हिसाब से अगर मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ मेरा ओपिनियन है ये सभी बच्चों को मार्क्स मिलना चाहिए जिसके अंदर एरर था और क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा होता है सर कुछ बच्चे मैं स्पेशली बोलूँगा कि कुछ बच्चे ना पहले रफ़ में कर लेते हैं कहीं भी पेजेस पे पीछे और फिर जाके वो फेयर आगे करने बैठते हैं तो शायद पांचवे क्वेश्चन को रफ़ में करने की कोशिश करा समझ नहीं आया छोड़ दिया हो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है तो अब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे बहुत बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ डेली के अगर देखा जाए तो मैंने देखा था कि इस चैनल के ऊपर क्योंकि मेरे पास एनालिसिस आता है तो डेली के कम से कम 40 पचास हज़ार बच्चे जो थे मतलब व्यूज़ वीडियो को देख रहे थे अल्टीमेटली एस के जो थे बाईस हज़ार स्टूडेंट करीब थे तो वो डेली बेसिस पे मैक्सिमम बच्चे जुड़ के देख रहे थे वो अलग बात है सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी ने सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं तो और बच्चों की बहुत सारी क्वेरी भी थी कि सर आप क्वेश्चन क्यों नहीं दिखाते साइड में तो मैं सिंपल सी बात करूं कि क्वेश्चन साइड में दिखाने में टाइम भी लगता है तो मेरी टीम इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपको साइड में क्वेश्चन दिखाऊं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है तो मैंने अभी सोचा है कि थोड़ा बहुत ग्रोथ हो जाए चैनल का भी ग्रोथ हो जाए एक बार तो एक स्मार्ट बोर्ड ले लिया जाए है ना स्मार्ट बोर्ड होगा तो फिर आपको भी अच्छा से पढ़ने में लगेगा साइड में मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा और नीचे सॉल्यूशन करूंगा तो ये मैंने सोचा है उसके लिए एक्सपेंस है वो अल, अलग मैटर है चलिए धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे तो यूट्यूब पे मैं आगे भी आऊँगा और यूट्यूब पे इसी तरीके से आपको क्लासेस दूंगा जो डिफरें मैंने पहले भी बता दिया था और ज़्यादा कोई बात नहीं करना मुझे बहुत खुशी है आप सभी बच्चों का जिन जिनका अच्छा एग्ज़ाम किया जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे मेहनत नहीं कर पाए थे डोंट वरी आपका आगे अगर जैसे भी आपका एग्ज़ाम है आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए बस मेरे लिए भी है तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए आज का एग्ज़ाम है तो हर एक एग्ज़ाम इक्विवेलेंट होता है हिंदी के भी आप अच्छे से जिसके पास हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए अब हम मिलेंगे क्योंकि बहुत दिनों से आपने देखा मुझे जो बच्चे रेगुलर मेरे से पढ़ रहे होंगे एक ही चीज़ मुझे देख देख के बस क्या कितनी वीडियो है नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो परेशान कम से कम आठ दस दिन तो आप रेस्ट करिएगा क्योंकि मैं बीस तारीख से ध्यान रखिएगा बीस तारीख से मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास लेके कर आऊँगा और उसके अंदर क्या रहेगा मैं वीक डेली नहीं डालूंगा मैं डेली के हिसाब से नहीं लेके चलूँगा वीक में टू डेज थ्री डेज सो देट के एग्ज़ाम में हमे पाँच महीने बचेंगे और अच्छे से पूरा सिलेबस ख़त्म करें और उसके अंदर देखना गारंटिड जिसके अंदर कोई भी आपसे चूक नहीं होगी बिल्कुल आसान पेपर आएगा हम उसके अंदर बुक्स करने वाले हैं पूरा आर पी रस्तोगी की बुक होती है वो पूरा कवर करेंगे टेंट ईयर के सारे से सारे ए टू जेड क्वेश्चन अभी तो टाइम ही नहीं मिला था आप भी समझ सकते हो मैं बोर्ड पे कराऊंगा इनफैक्ट साथ के साथ थ्योरी भी करेंगे और टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे तो अगले के लिए मैं तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैंने नोट्स बनाने चालू कर दिए हैं तो बीस तारीख से स्टार्ट करेंगे हम ट्वेंटी जून से आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स होने के बाद डेली नहीं आपका वीक में टू डेज वीडियो डालेंगे और चैप्टर वाइज खत्म करेंगे तो थैंक यू सो मच थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है यार आप वन एक्स टू एक्स पे भी करके देख सकते हैं चैनल को आपने बहुत सपोर्ट किया थैंक यू सो मच और जिस बच्चों का भी पेपर अच्छा गया कमेंट करिएगा ज़रूर कि हमारा पेपर अच्छा गया उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वो बेटर मुझे बहुत अच्छा फील होता है ठीक है थैंक यू सो मच